हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमुदो किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा परवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परवल लेंगे और उसे छील लेंगे। छीलने के बाद हम पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे परवल को। अब हम एक परवल लेंगे और इसे बीच से कट करेंगे। बीच से कट करने के बाद इसके अंदर के जितने भी बीज है उसे हम निकाल के एक अलग प्लेट में रख देंगे। हमें बीज को फेंकना नहीं है, अलग ही प्लेट पर निकाल लेना है। इसी तरह हम सारे परवल को कट करके उसके बीज निकाल लेंगे। यहाँ हमने सारे बीज निकाल लिए हैं परवल से, और आधा बीज हमने फेंक दिया और आधा बीज रख लिया। इसका हमारा भरवा में यूज होगा। हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच पोस्तदाना कर लिया है, और अब हम इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। तो चलिए हम जब तक परवल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 5 बड़े साइज़ के प्याज लिया है जिसे रफली कट कर लिया, और 10 से 12 मिर्ची। अब हम पैन में तेल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम उसमें एक छोटा चम्मच जीरा का डालेंगे और इसे चटकने देंगे। जीरा होने के बाद हम इसमें मिर्ची डाल देंगे जो हमने कट करके रखा था, और इसे चला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें जो हमने कट करके प्याज रखा था उस प्याज को डाल देंगे। और अब हम प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। और अभी हमारा प्याज लाल हो चुका है, तो हमने जो बीज रखे थे वो बीज को हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसे प्याज के साथ भूनेंगे। और इधर जो हमने पोस्तदाना को भिगो के रखा था वो भी हो गया है। तो चलिए अब इसे पीस कर पेस्ट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पीस कर इसे पेस्ट बना लिया है। तो 5 मिनट हमने बीज के साथ प्याज को भून लिया है। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने पहले मिर्ची हरी मिर्ची डाल ली थी। उसके बाद 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और अब इसे मसाले को हम तेल छोड़ने तक भूनेंगे। तो मसाला हमारा भून चुका है, देख सकते हैं आप कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो हमने जो पेस्ट बना के पोस्तदाना का रखा था उस पेस्ट को हम प्याज में डाल देंगे, और इसे अब 2 मिनट के लिए इसके साथ भी भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो चुका है हमारा स्टफिंग, तो चलिए अब हम इसे भरते हैं। तो हम परवल लेंगे और जो हम जहाँ से हमने कट करा था वहाँ से हम मसाले को भरेंगे। इसी तरह हम सारे परवल में मसाले को भर देंगे। तो जितने भी परवल थे उसमें हमने मसाले को भर दिया है, और मसाले को भरने के बाद भी इतना मसाला हमारा बच गया जिसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अब हम एक पैन लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। तो तेल गरम होने के बाद हम एक एक करके जितने भी परवल हैं उसे हम तेल में डालेंगे और इसे रोस्ट होने देंगे। हमें इसे दोनों तरफ से रोस्ट करना है, तो इसे ढक कर अब हम रोस्ट होने देते हैं। तो चलिए एक तरफ से हमारा रोस्ट हो गया, तो इसे पलट देते हैं। तो सारे परवल को अब हम पलट कर दूसरे साइड से रोस्ट होने के लिए रख देंगे। तो हमारा दोनों साइड से जो परवल है वो रोस्ट हो गया अच्छे से। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक एक करके परवल को निकाल लेते हैं। तो हमारा जो परवल भरवा है वो बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे ग्रेवी के साथ बनाएंगे। तो जो हमारा तेल बचा हुआ था वो तेल ले लेंगे, और जो हमारा मसाला बचा हुआ था वो मसाले को तेल में डाल देंगे,
और इसे अच्छी तरह तेल में मिला लेंगे। मसाले को तेल में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसमें बॉयल आने तक हम इसे ढककर पकने देंगे। तो हमारे ग्रेवी में जो है वो बॉयल आ गया है, तो एक एक करके हम परवल के परवा जो है वो हम डाल देंगे ग्रेवी में और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मगर उससे पहले हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला का डालेंगे और उसके बाद हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गया और फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और हमारा जो परवल का भरवा है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे चावल रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे आप ज़रूर ट्राई करें और बताएं हमें कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय।